तुम तो लंदन में स्विट्जरलैंड के महलात में रह रहे हो। मैं जानता हूं इनकी हकीकतें क्या है। इनके घर में रोटी के लिए पैसे नहीं है। ये सब इंडियन रॉ से पैसे लेकर पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, हमारे मासूम लोगों को मारना चाहते हैं। नाई धोबियों को मारते हैं, टीचर्स को मारते हैं, डॉक्टर्स को मारते हैं, कबायली अमायदीन को मारते हैं, हमारे बच्चों को शहीद करते हैं। अब वो टाइम चला गया है। अगर गैरत वाले हो तो बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों पे आओ या हमसे मुकाबला करके देख लो। आओ हमसे लड़ लो, मुझसे लड़ लो, नवाब साहब के जानसारों से लड़ लो, बलूचिस्तान के तूरोअर्स के बलोच पश्तूनों से लड़ लो, जो अमन चाहते हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, आओ उनसे लड़ लो। एक दिन मुकर्रर कर लो अगर मर्द के बचे हो तो। आपको मैं ये बताता चलूं कि जिस सूरमार ने, जिस बुजदिल ने, जिस बेगैरत ने इस वाकये को कबूल किया था, वो आज जहन्नुम बसल हो चुका है। वो एक ऑपरेशन में मारा जा चुका है और अपने अंजाम को पहुंच चुका है, जिसको असलम अच्छू के नाम से आप जानते हैं। और मैं आपको ये यकीन दिला दूं, मैं शहीदों के खून की कसम खा के कहता हूं, आज पिंडाल में अस्करी और सियासी क्यादत आपके दरमियान मौजूद है। हम ये कसम खाते हैं कि बलूचिस्तान में जब तक एक दहशतगर्द भी बाकी होगा, हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे और हम कोई भी कुर्बानी देने से दरेक नहीं करेंगे।